पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के अगवानपुर रेलवे स्टेशन स्थित खजूर वाली मस्जिद के पास एंजल हेल्थ केयर एंड हिजामा फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन मुफ्ती सुलेमान साहब द्वारा फीता काटकर किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एंजल वेलफेयर सोसाइटी का अपना मुकाम है। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी एंजल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आए दिन कार्य किए जाते हैं। एंजल वेलफेयर सोसाइटी अब अगवानपुर में भी अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देगी। अगवानपुर रेलवे स्टेशन रोड खजूर वाली मस्जिद के पास एंजल हेल्थ केयर एंड हिजामा थेरेपी सेंटर का शुभारंभ मुफ्ती सुलेमान साहब के द्वारा किया गया। अस्पताल के शुभारंभ के मौके पर एंजल हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर इरशाद हुसैन ने बताया कि यहां पर लोगों को 24 घंटे सेवाएं प्रदान की जाएंगी। लोगों का कम दरों पर इलाज किया जाएगा। यहाँ पर हिजामा थेरेपी, लीज थेरेपी और फिज थेरेपी द्वारा इलाज किया जाएगा। यहाँ पर फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और महिला रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। इस मुबारक मौके पर डॉक्टर अनीश, डॉक्टर शरीफ अहमद, डॉक्टर इरफान निसार, हाजी वकील अहमद कुरैशी, रईस कुरैशी, शाहिद हुसैन, इमरान उवैस, डॉक्टर आकिल अमान सहित नगर पंचायत अगवानपुर के संभ्रांत लोग मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, ये आज किस हॉस्पिटल की ओपनिंग की गई है और कहाँ पर है ये हॉस्पिटल और किसके द्वारा इसकी ओपनिंग की गई? ये एंजल हेल्थ केयर है, एंजल हेल्थ केयर हिजामा सेंटर, ये है अगवानपुर में और ये मुफ्ती सलमान साहब के जरिए इसकी ओपनिंग करी गई है। अच्छा, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है? यहाँ पर जनरल फिजिशियन है और गायनिक का काम है, पीडिया का काम है, ये काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हॉस्पिटल और भी हैं, आपके अस्पताल में पेशेंट क्यों आए? क्योंकि हम थोड़ा डिफेंड करना चाह रहे हैं, यूनानी पैथी में काम करना चाह रहे हैं, हिजामा पैथी में काम करना चाह रहे हैं, लीज थेरेपी हम लेके आए हैं यहाँ पर, तो इसलिए पेशेंट हमारे पास आएगा। और जो लाइलाज बीमारी है, जैसे आजकल एलोपैथिक दवाई खा खा के इंसान थक चुका है, उसका बुरा हाल हो चुका है, तो हम लोग इनसे एलोपैथिक से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं पेशेंट को। हमारा मोटिव ये है कि पेशेंट को दवाई खाने की जरूरत ही ना पड़े, हम पूरी कोशिश करेंगे सर। तो ये कौन कौन डॉक्टर यहाँ पर बैठेंगे? यहाँ पे डॉक्टर आशिकीन बैठेंगे, डॉक्टर फातिमा हैं वो बैठेंगी, और मैं हूँ डॉक्टर इशाद, डॉक्टर अनीस फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो बैठेंगे। कितने टाइम यह सुविधाएं जो अवेलेबल रहेंगी? 24 घंटे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।